أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا. كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وعسبوا أن لا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم तुम्हल बस बिमा वाक़ यह है कि हमने बन इसराइल से पुख्ता कौल वरार लिया यानि मजबूत अहद लिया और उनकी तरफ़ रसूल भेजे जब भी उनके पास कोई रसूल ऐसा हुक्म लेकर आया जो उनके दिलों को नहीं भाया तो उन्होंने कुछ रसूलों को झुटलाया और कुछ रसूलों को कत्ल कर रहे हैं और उन्होंने यह ख़्याल किया है कि कोई पकड़ न होगी चुनाचे वह अंधे बहरे हो गए और जो करना था कर गुज़रे फिर अल्लाह ताला उनके तरफ़ मुतवज्जे हुए यानि उनको माफ़ कर दिया और उनको ग़ुलामी से नजात दी मगर फिर उनमें से अक्सर अंधे और बहरे हो गए और हज़रत ज़करियाँ को तो शहीद ही कर दिया और हजरत सलाम के कत्ल के दर पे हो गए अल्लाह ताला ख़ूब जानते हैं जो कुछ के वो कर रहे हैं सो मायदा की दो आयतें तिलावत की गई आयत नंबर सत्तर और इकहत्तर गुजत कल जो मजमून बयान किया गया था उसका ख़ुलासा ये है कि सिर्फ़ ईमान और अपने आप को यहूदी या सवी या नसरान होने का दावा करने से काम नहीं चलेगा बल्कि बुनियादी चीज़ अल्लाह पर ईमान अमल और आकद आख़िरत है ये तीन चीज़ें ऐसी हैं कि अगर इसमें कमी कोताही है तो फिर पिदरम सुल्तान बुध के नारे मारने से कुछ होने जाने वाला नहीं है चुनाचे गुजशत कल ये बात साफ तौर पर ज़िक्र की गई थी के बाद लोग अपने ईमान वाले होने का दावा करते हैं और यहूद नसारा ने तो यहाँ तक कह दिया था ना नबना उल्ला वाहिब बाऊ के हम अल्लाह तबारो त औलाद हैं या अ के चाहिए हैं तो फरमाया गया अगर तुम अल्लाह के इतने चहीते हो तो अल्लाह तुम्हारे बदामाली पर तुम्हें अजाब क्यों देता है तो बुनियादी बातें है तीन हैं नंबर एक अल्लाह पर ईमान जिसको अकीदत तोहद कहते हैं और दूसरा अमल साल और अमल साले को आम में इस तरह समझा जा सकता है कि अल्लाह तबारक तबारा का हुक्म हो और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा हो ये दो चीज़ें हैं तो वमल आमल साले है वरना कोई आदमी कितने अखलास से अपने तौर पर अमल कर रहा है लेकिन रहमत मुजस्म सलीलम की तलीमत में वोल नहीं मिलता या आपके तरीक़े के ख़िलाफ़ है तो हमले साले नहीं हो सकता तो इर्शाद फरमा जिन लोगों में ईमान अमाल साल है आख़रत का पुख्ता यकीन है तो वो लोग हैं जिन पर न डर होगा ना वो गमगीन होंगे यानी अल्लाह ताला तक कामयाब फ़रमाएगा अब तो उसके बाद बनी सहल के बारे में इर्शाद फरमाया कि हमने उनसे पुख्ता आहद लिया था कि जब भी उनके पास रसूल आएँ उनके आकाम को कबूल कर लें लेकिन इनका मामला ये था कि जो चीज़ उनके मिजाज के मुताबक़ होती उसको तो कबूल कर लेते और जो मिजाज के ख़िलाफ़ होती उसको इनकार कर देते और छोड़ देते तभी अल्लाह ताली की तामा तो बरदारी कहाँ हुई बल्कि ये तो अपने ख्वाहत के पैरवी करना हुआ जैसे आज भी बहुत सारे लोग मीठा खाने की सुन्नत तो याद रखते हैं लेकिन फाका रहना याद नहीं है दोपहर में खैलूले की सुन्नत याद है लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात रात भर इबादत करते थे हत्ता कि आयशा रज़ील् तआला ना फरमाते हैं तवरमत कदमा कि आपके कदम मुबारक वर मालूद हो जाते थे तो उस तहजद की सुन्नत पर भी अमल करना चाहिए तो गर्ज़े के जो चीज़ अपने मिजाज के मुताबिक उसको तो कबूल कर लो और जो मिजाज के ख़िलाफ़ है उसको छोड़ दो ये इतवा शरीत नहीं है बल्कि ग़ुलाम का काम तो ये है आका जिस चीज़ का हुक्म दें बग़ैर चूँ चरा के उसको कबूल कर ले चाहे समझ में आए या ना आए जैसे हज़रत आसन बसी रहा आ एक मशहूर वाक़ है कि आपने ग़ुलाम ख़रीदा और उस ग़ुलाम से पूछा कि आप क्या खाओगे गुलाम ने कहा जो आका खिलाएँ फिर पूछा कि आप कहाँ रहना पसंद करोगे गुलाम ने कहा कि जहाँ आका रखे वहाँ रहूँगा फिर पूछा कि काम क्या करोगे गुलाम ने कहा कि जो आका काम लगाए वो काम करूँ तो हजरत हसन वसरे रहमा फ़रमाने लगे अल्लाह के बंदे तेरी भी कोई मर्ज़ी है कि नहीं है हर बात के जवाब यही कहता है कि जो आका खिलाए खाऊं जहाँ रखेगा रहूँगा जो काम कराए जो काम लगाए वो करूँ तो गुलाम ने बर्दस्तः कहा कि अगर कुछ मेरी मर्ज़ी होती तो फिर मैं ग़ुलाम काहे को होता मैं भी आका ही होता ये सुनकर हसैन बसर रहमत ला तजदे में गिर गए और फरमाया कि उस गुल ने मुझे बंदगी का करीना सिखला दिया है लिहाजा कामयाबी ये है कि जो अल्लाह का हुक्म हो बग़ैर चुवह चरा के उसको कबूल कर ले तो यहूद तो न सारा की आदत बयान की गई कि अगर उनके मिजाज के मुताबिक कोई हुक्म होता तो उसको कबूल कर लेते और अगर मिजाज के ख़िलाफ़ होता तो उसको इनकार करते जैसे फ़रमाया कुल्ला जा रसुलम बे माता व आँफु फ़रीका कर व फ़री कहीं ऐसी चीज़ें जो लेकर आए कि उनकी तबीयत नहीं चाहती थी पसंद नहीं आई तो एक जमात को झुटला दिया और अम्ब्या के एक जमात को कत्ल कर दिया जैसे हज़रत जक्रिया आल सलाम वग़ैरह फिर अल्लाह ताला रहमत के साथ उनकी तरफ मुतवजे हुए तोबा की तोफी दी लेकिन इनका हाल तो ये था कुत्ते के दुम टेढ़ी की टेढ़ी चुनाचे बावजूद अल्लाह तबारा के रहमत व करम के फिर दोबारा वही शरारत उन्होंने की तुम आमू व सम्मू फिर अंधे और बहरे हो गए और उनमें के अक्सरों का यही हाल था वल्ल बसम बीम्यामलून अल्लाह तबारक ताल उनके तमाम आमाल से बाबर हैं और जब बाबर हैं तो कल क़्यामत में उसे के मुताबिक वो उनको जजावी अता फ़रमाएंगे तो आयात का ख़ुलासा ये हुआ कि सिर्फ़ नारेबाजी से या अपने आप को किसी ऊँचे ख़ानदान के होने से या मुसलमान होने पर फ़ख्र करने से काम नहीं चलेगा बल्कि अल्लाह तबारक तालमाल के कसोटे पर ईमान को परख कर देखेंगे अल्लाह ताला हमें भी ईमान कामिल नसीब फरमावे आखरत का पुख्ता यकीन हो और फिर अल्लाह तबारो ताल अमल साले के तौफीक नसीब फ़रमावे सुबह अल्ला इलाहा इल्ला हमदी वन व नस्तफ़रकन इलैक